नमस्कार दोस्तों, मैं शेफाली की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो जो है वो मैं एक DIY करने जा रही हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिएगा क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। ये इस बास्केट से बनने वाला है, ये 10 रुपीज़ की बास्केट आती है ना, ये उसी से बनेगा। तो देखते हैं मैं क्या बना रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप जहाँ पे मेरे चैनल का नाम आ रहा होगा शेफाली की दुनिया, उसी के बगल में सब्सक्राइब लिख कर आता है। अगर आपके फ़ोन में वो रेड आ रहा है तो प्लीज़ उसे ब्लैक कर दीजिए और घंटी का आइकन पर ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास एक फॉर्म का पीस है, ये 2 पीस हैं। ये जो शर्टों में आते हैं उस तरीके से है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती आती है, महंगी नहीं आती है ये। तो इसको करना क्या है, हमें इस तरीके से हम इसको करके और अपनी बास्केट पे देखिए, इस तरीके से अपनी बास्केट में इसको हमें दबा देना है। चाहे तो आप इसे ग्लू गन की मदद से या फिर किसी ग्लू से भी लगा सकते हैं, या फिर सुई धागे से भी आप इसे लगा सकते हैं। सुई धागे से क्या करना होगा, किस तरह से पकड़ के और सिलाई कर देनी, मैं आपको कर दिखाती हूँ। तो देखिए, फॉर्म को इस तरीके से पीछे से यहाँ से रखेंगे और इस तरह से मोड़ देंगे। अगर आपके पास फॉर्म चौड़ी है तो अच्छी बात है, मेरे पास मैंने परचेस नहीं की है, जो रखी थी उसी से काम चला रही हूँ। तो यहाँ से आपको सुई धागा इस तरीके से, देखिए सुई हमें लेनी है। अंदर बास्केट में छेद होते हैं तो उसी छेद में हमें एक छेद में इसको बांध देना है। इस तरीके से देखिए, यहाँ से लेके और अब हमें धागे को इसमें बांध देना होगा। इस तरीके से हमें रखना है और इसमें बांध लगा देना है टाके। इस तरीके से हम एक साइड से पूरे टाके लगा देते हैं। कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बास्केट में हमारी छेद है, उन्हीं छेदों में ही बस इस तरीके से किसी भी जगह आपको सुई डालनी है और निकालनी है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मैंने इस पर ये फॉर्म सिल ली है और इसी तरीके से हमें सारे में अपनी फॉर्म को सिल लेना होगा। देखिए इस तरीके से मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से सारे बास्केट में हमें फॉर्म अपनी लगा लेनी है। मैं इसको सुई से लगाती हूँ, लगाकर आपको दिखाती हूँ बाद में। तो देखिए, इस तरीके से मैंने फॉर्म को सिल दिया है, इस सुई धागे से ही मैंने सारा सिल दिया है। ये है पानी की पाइप, इस पानी की पाइप में, पुरानी पाइप है ये। इस तरह से मैंने ब्लेड से कट लगा दिए हैं दोनों साइड, देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें इसको यहाँ से इस तरह से करके और इसको यहाँ से इस तरह से करके मैं इसको इस तरह से बांध दूँगी। ये देखिए, सेंटर में ला के इसको हमें बांध देना है, बांध कर बाकी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये पाइप छुपाने की थी, इसको इस तरह से बांध दिया है। तो ये हमारी इस तरह से कुछ बास्केट हो गई है पकड़ने के लिए, यहाँ पे हम इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं आराम से। और मैंने देखिए इसको कितने अच्छे से मजबूती से बांध दिया है धागों से, ताकि ये कभी इस तरह से उठाने पे वजन अगर हो तो ये पाइप जो है हमारा निकले ना यहाँ से। बहुत ही अच्छे से मैंने इसे सिक्योर कर दिया है और अब इसके पाइप के ऊपर हम ये फॉर्म जो है ये लगा देंगे। और ये जो हमारा सुनील का कपड़ा है, इसको देखिए इस तरीके से हमें चारों तरफ अपने बास्केट में लगा देना है, अंदर से बाहर की तरफ। इसे सुई धागे से भी लगा सकते हैं और ग्लू गन या फिर किसी ग्लू से भी लगा सकते हैं। सिलाई से लगाने पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मजबूती बहुत ही अच्छी आ जाएगी। ये मैंने इस पर भी फॉर्म लगा दिया है और सुई धागे से इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा बांध दिया है। और अब इन सब सारे पे मैं कपड़ा लगाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो हम कपड़ा लगाएंगे अपने हैंडल पर, उसको सीधे ऊपर से नहीं लगाएंगे, थोड़ा इतना जैसे जहाँ से हैंडल है वहाँ से नहीं लगाएंगे,
थोड़ा सा नीचे कपड़ा कर कर यहाँ सर लगाएंगे, वो इसलिए जिससे कि जब इसके ऊपर हम बास्केट पर अपनी कपड़ा लगाएं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से कपड़े की फिटिंग बैठ जाए, कहीं से कोई पाइप दिखाई ना दे। जब ऐसे अंदर से थोड़ा कपड़ा बाहर कर देंगे तो वो फिर पाइप हमारा दिखेगा नहीं बिल्कुल भी कभी भी भविष्य में। और इस तरीके से देखिए कपड़े को मोड़ते हुए अच्छे से इस तरह से हमें सेट कर देना होगा, और पीछे साइड मोड़ते हुए यहाँ से हमें सिलाई से सुई धागे से इसको सिल देना होगा। मोटे मोटे ही धागे ले लेंगे, जैसे हम बखिया वगैरह करते हैं ना उस तरीके से हम इसको सिल देंगे। तो इस तरीके से इस कपड़े को भी हम सिल देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये जो सिल देखिए इस तरीके से हमारी टोकरी कुछ बाहर से रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है जगह इस पर हम गोल गोल कपड़ा कड़ा काट कर और मोड़ते हुए उस पर तुरपाई सी कर कर इसको बंद कर देंगे, तो ये बाहर से हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और अंदर से अब हम इसमें आप ये फाइबर डाल देंगे। आपके पास अगर फाइबर नहीं है तो आप रुई भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे कान्हा जी जब इसमें बैठेंगे तो उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा, सॉफ्ट लगेगा एकदम, जैसे हमारे डल्ला वाले गद्दे होते हैं उस तरीके से ये कुछ स्पंजी सा बन जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट नरम। इसके ऊपर अब हम इस पर अपना सनील का कपड़ा लगा देंगे, गोल कट करके सनील का कपड़ा लगा देंगे और सुई धागे से इसको ऊपर ऊपर ही हम सिलाई कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये कान्हा जी का बनकर तैयार हो जाएगा बैठने के लिए। आप इसमें कान्हा जी को सुला भी सकते हैं, लिटा भी सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चौकोर पीस काट लिया है, मैंने राउंड पीस नहीं काटा है, चौकोर पीस ही काट लिया है, और इसको मैं दबा दबा कर अंदर फोल्ड करते हुए कपड़े को इक्वली हमें कपड़े को अच्छे से फोल्ड करना है। जो कोने पे है वो थोड़ा उस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करना है, और देखिए इस तरीके से हमें सुई की मदद से इस कपड़े को इसमें अटैच कर देना है। इसमें बारीक बारीक हम सुई धागा लेंगे, तो जो धागे हमारे होंगे ना टाँके वो हम बारीक बारीक लेंगे, जिससे कि हमारी फाइबर अगर बड़े बड़े लेंगे तो हमारी फाइबर वहाँ से निकलने का डर रहेगा और दिखने का भी। तो हम बारीक बारीक छोटे छोटे टाँके लेते हुए इसको अच्छे से देखिए इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देंगे और अपने सारे फाइबर को छुपा देंगे। और फ्रेंड्स सच में बहुत ही खूबसूरत बास्केट बन जाएगी ये, और आप देखें अंदर मैंने फाइबर लगाकर और सारे कपड़े को अच्छे से टांग दिया है, सिलाई सिल दिया है, सारे कपड़े को अच्छे से सिल दिया है और पीछे साइड में इस तरीके से कपड़ा लगा के सुई धागे से सिक्योर कर दिया है। तो ये अब इस तरीके से हमारी बास्केट कुछ तैयार है। अब हम करेंगे इसको डेकोरेट। तो फ्रेंड्स तो अब मैं ये ले रही हूँ देखिए गोल्डन कलर का पट्टा, ये मेरे पास चौड़ा पट्टा है, तो इसको मैं क्या करूँगी इस तरह से इस पे इस तरह से लपेट दूंगी। चौड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं इसको डबल कर कर इसको डबल कर कर अगर आपके पास ये पतला वाला है तो आप सिंगल भी इस पे लपेट सकते हैं, या फिर कोई भी खूबसूरत सी डोरी ले लें वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से करके ये स्पिंडल पे इस तरह से लपेट कर और टांग देनी है। तो मैं इसको कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये गोल्डन पट्टी मैंने लगा दी है, और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे इस तरह की ये लैस, देखिए इस तरह की ये लैस है, और इस लैस को मैं चाहे तो आप गन से लगा दें या फिर चाहे तो सुई धागे की मदद से भी इसको इस तरह से लगा दें। देखिए इस तरीके से इसको मैं यहाँ से ऊपर से ही लगाऊंगी इस तरीके से, देखिए और बहुत ही प्यारी लगेगी ये लगकर। तो मैं इसको लगा देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगती है।
देखिए इस तरीके से ये लेस हमारी लग गई है चारों साइड, लेकिन जो ये दिख रहा है ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो मेरे पास यहाँ पर एक लैस रखी हुई है, ये रेड कलर की लैस है, इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे हमारा ये जो दिख रहा है ना पट्टी सी है, तो ये अच्छी नहीं लग रही है। अब ये लैस लग जाएगी जब तो ये खूबसूरत दिखेगा इस तरीके से। देखिए आप कोई भी कलर की आप कुछ भी मिक्स एंड मैच कर कर इसमें लगा सकते हैं इस तरीके। अब इसको भी मैं टाक देती हूँ, आप सुई धागे से या फिर ग्लू गन से लगाते हैं। ये फाइनल लुक इसका कुछ इस तरीके से है। जो मैं शॉपिंग वीडियो में मैंने फ्लावर दिखाया था वो मैंने बीच पे एक लगा दिया है। दो फ्लावर ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, ये मैंने लगा दिए हैं। ये बीच में जो बीड्स दिख रहा है आपका मोती, ये मैंने बाद में ग्लू गन से लगाया है, इसमें मोती लगकर नहीं आया था। और बाकी ये जो शॉपिंग वीडियो में आपने देखे होंगे ये पंख से, ये भी मैंने इसमें लगा दिए हैं। और देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है, बस हमारे कान्हा जी इसमें बैठ जाएं। चाहे तो आप इसको सुला सकते हैं इसमें, या फिर इसको बिठा के सिंहासन की तरह, या फिर कहीं ले जाने के लिए इस तरीके से आप इस बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी बास्केट है ये, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आप मार्केट में इस तरह से बास्केट ढूंढेंगे तो जल्दी तो आपको मिलने से रही, और अगर मिलेगी भी तो बहुत ही कॉस्टली बनेगी। और ये घर पर हमने बहुत ही प्यार से अपने कान्हा जी के लिए बनाई है, और कम खर्चे में बनाई है। और खर्चे से बड़ी बात है कि हमने इसमें बहुत सारा प्यार से बनाया, बहुत ही ज़्यादा प्यार से इसको बनाया है। देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है, एक अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की खुशी अलग होती है, और ख़ासकर हम अपने के लिए जब करते हैं या भगवान जी के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से मुझे भी इस तरह की चीज़ें बनाने का बहुत शौक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप तक मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।